स्टोरी फोर मेन कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूमती है, जिनका नाम है एजी साकी, जो बहुत ही इनसेंसिटिव और थोड़ा डम टाइप का लड़का होता है। नात्सुजुकी सुजुरा, जो कि केंजी की नेबर है बचपन से ही, और वो वन साइडेड लव करती थी केंजी को। कोहोरी हारुकावा, जो बहुत ही डेडिकेटेड होती है और उसे पियानो और स्विमिंग करना बहुत पसंद था, और सर्फिंग भी। वो केंजी की क्रश होती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका क्रश था रयोची। रयोची एक साइकिक था जिसने टाइम ट्रेवल किया होता है फ्यूचर को बचाने के लिए। वो केंजी के स्कूल को टारगेट करता है ताकि वो जिन स्टूडेंट्स के पास साइकिक पावर है उसे अपने जैसा बना सके। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें रयोची बोलता है, द विंड इज स्वीट, इट गिव्स एन अरोमा ऑफ इट्स ओन, सो दिस इज अर्थ। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि रयोची अर्थ से नहीं है, वो कहीं और से ही आया होता है। उसके पास एक क्रिस्टल होता है जिसमें टाइम चल रहा होता है, और वो डॉग में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो बात भी कर सकता है। इसी क्रिस्टल से रयोची साइकिक बच्चों को अपने जैसा बना सकता था। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केंजी अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, जहाँ पे उसकी मुलाकात रयोची से होती है। उनके स्कूल में एक न्यू पॉलिसी बनाई गई थी जिसके बाद सेलफोन्स बैन कर दिए गए थे, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे सेलफोन की वजह से, और इस पॉलिसी से रयोची के प्लान को बहुत हेल्प मिलती है। यूनिवर्सिटी में आते ही रयोची कोहोरी का इंटरेस्ट गेन कर लेता है, और जब कोहोरी रयोची को पियानो प्ले करते हुए देखती है तब तो वो उसको और भी ज़्यादा पसंद करने लगती है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं योरिका को, जो कि सुसाइड कर रही थी बिकॉज उसकी वजह से ही सेलफोन बैन हुए थे स्कूल में, और उसके फ्रेंड्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे नाराज थे। पर रयोची वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा लेता है, और क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स थी तो वो उसे भी अपनी जैसा बना लेता है, जिसकी वजह से अब वो जो भी स्टूडेंट्स के पास साइकिक बनने की पावर है उनके माइंड्स रीड कर सकती थी। अब उनका अगला टारगेट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है, और जिसको वो अपनी जैसा बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पर वहाँ पे नात्सुजुकी आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है, पर योरिका उसे डरा देती है कि अगर उसने किसी और को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा, और इस सब की वजह से नात्सुजुकी स्कूल नहीं जाती। अब रयोची के साथ प्रेसिडेंट भी थी, और उसका प्लान अब और भी आसान हो जाता है, और वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जो सेलफोन यूज़ करेगा या लेके आएगा उसे वो एक्सपेल कर देंगे स्कूल से, और उन्हें एक दूसरे से बात ना करने के भी रूल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं कि वो एक दूसरे का माइंड रीड करना सीखें। ये सब रूल्स की वजह से रयोची उन स्टूडेंट्स को जिनके पास पोटेंशियल है साइकिक बनने का उन्हें इजीली कन्वर्ट कर सकता था। दूसरी तरफ उनके टीचर्स को भी कुछ अजीब लगता है ये सब रूल्स के बारे में, और वो कोहोरी से बात करते हैं और उसे मिलने के लिए बोलते हैं, पर टीचर वहाँ पर नहीं आता, बल्कि वहाँ पे योरिका आ जाती है। वो कोहोरी को कन्विंस करती है, फिर उसे फोर्सफुली ट्राई करती है साइकिक में कन्वर्ट करने के लिए। पर अहम मौके पे वहाँ पे केंजी आ जाता है जो उसे बचा लेता है, क्योंकि उसके पास नेचुरल साइकिक पावर्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो कोहोरी को अपने घर लेके जाता है जहाँ पे नात्सुजुकी पहले से ही होती है। नात्सुजुकी उस इंसिडेंट के बारे में सबको बता देती है, और सबको पता चल जाता है कि रयोची इस सब के पीछे है। तो नेक्स्ट डे कोहोरी रयोची के पास कन्फ्रंट करने जाती है। रयोची उसे सब बता देता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, इंसान अर्थ पे नहीं रह सकेंगे, वो मून पे रहेंगे इन फ्यूचर। मून पे भी कुछ ही लोग सर्वाइव कर सकेंगे, सारे लोग नहीं, बिकॉज ऑफ साइकिक पावर्स, और अर्थ को रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा,
पर क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होंगे तो जो लोग मून पे नहीं जा सकते वो भी ज़्यादा देर तक अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर फ्यूचर में उन्हें साइकिक पावर के बारे में पता चलता है और ये पावर तभी अनलॉक की जा सकती है जब ह्यूमैनिटी खतरे में हो। तो साइकिक ही हमारे एरा की एक होप है और उसका मिशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिक को अवेक करना और अर्थ को बचाना, और वो बोलता है कि वो साइकिक को अपने फ्यूचर में भी ले जा सकता है बिकॉज फ्यूचर में इतने साइकिक्स नहीं है। और लास्ट में वो कन्फेस करता है दैट आई फेल इन लव विद यू कोहरी। फिर वो कोहरी को अपनी मोम के बारे में बताता है कि उसकी मोम भी प्रेजेंट से ही थी और वो उसे जन्म देने के बाद ही मर जाती है। इट मींस वो भी मून पे सर्वाइव नहीं कर पाती। एक क्लासमेट उसके पास आती है और वो बोलती है नात्सुके मुश्किल में है क्योंकि वो सेलफोन लेके आई थी स्कूल में। और केंजी के ग्रैंडफादर जिनके पास भी साइकिक पावर्स थी उनको भी सिचुएशन समझ आ जाती है। वो केंजी की पावर्स को अनलॉक कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है बल्कि उसके पास भी पावर्स हैं। दूसरी तरफ केंजी अपनी स्विमिंग क्लास में था तभी उसे पता चलता है कि नात्सुके मुश्किल में है। वो भी उसे बचाने निकल जाता है। रियोची को भी पता चल जाता है कि केंजी के ग्रैंडफादर ने क्या किया है और वो दोनों थोड़े टाइम बात करते हैं। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि केंजी के ग्रैंडफादर रियोची के मॉम डैड को जानते थे। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं केंजी स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आ जाता है जहाँ पे नात्सुके होती है। तभी केंजी के सामने उसके एक बचपन का सीन आता है जहाँ पे नात्सुके उसे चेस कर रही होती है और नात्सुके को डेंजर में देखकर केंजी अपनी फुल पावर यूज करता है और उसे बचा लेता है। तभी रियोची उसे फाइट के लिए बोलता है पर वो उसे पिकनिक पर जाने के लिए मना लेता है। और जब वो पिकनिक पे लंच कर रहे तब अचानक से नात्सुके केंजी और रियोची सो जाते हैं। फिर केंजी के सामने एक सीन आता है जहाँ पे वो नात्सुके के चाइल्ड वर्जन को रोता हुआ देखता है और वो खुद हॉस्पिटल बेड में होता है अपने चाइल्ड वर्जन में। तब केंजी को पता चलता है कि वो तो पास्ट में मर चुका था पर नात्सुके ने टाइम में पीछे जाकर अपनी साइकिक पावर्स को सेक्रीफाइस कर उसे बचाया था। फिर नात्सुके भी वहाँ पे आ जाती है। वो केंजी को बहुत रोकती है पर वो बिना सुने ही चला जाता है वहाँ से। फिर उन सबको होश आ जाता है जहाँ पर नात्सुके रोते रोते उठती है। तब कोहरी को भी उसकी केंजी के लिए फीलिंग्स का पता लग जाता है और वो समझ जाती है। दूसरी तरफ रियोची और केंजी दोनों बीच पे वॉक कर रहे थे। फिर रियोची बोलता है कि उसके डैड भी टाइम में पीछे गए थे पर उसके ग्रैंडफादर ने उसका प्लान स्पॉइल कर दिया था। फिर वो दोनों भी कोहरी और नात्सुके के पास जाते हैं। फिर वो चारों बहुत इंजॉय करते हैं। फिर रियोची उन्हें बताता है कि उसका यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका है और जब वो फ्यूचर में चला जाएगा तो उसकी मेमोरी सबके मन से डिलीट हो जाएंगी और किसी को भी वो याद नहीं रहेगा। फिर वो कोहरी को गुड बाय बोलता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन था फ्रेंड्स इस मूवी का। जब वो वापस जाने ही वाला था वहाँ पे केंजी बोलता है कि वो उसके क्रिस्टल को ही तोड़ देगा पर रियोची हवा में कुछ वर्ड्स लिखता है जिसकी वजह से वो दोनों ही टाइम लूप में चले जाते हैं। और वहाँ पे अब केंजी का चाइल्ड वर्जन लुक आफ्टर कर रहा था नात्सुके के चाइल्ड वर्जन की। इट मींस अब केंजी ने सेक्रीफाइस किया था नात्सुके के लिए। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। जो डॉग रियोची के साथ होता था वो एक्चुअली में रियोची के डैड की स्पिरिट थी। वो रियोची को बोलते हैं कि दोनों बच्चों को मार दो, केंजी की पावर्स ले लो पर रियोची मना कर देता है। फिर केंजी रियोची को बचाता है
इरेज होने से। फिर वो दोनों वापस आते हैं जहाँ पे नात्सुकी होती है। तब केंजी बोलता है कि उसने रेओची को तो बचा लिया क्योंकि वो उसकी वजह से ही फ्यूचर में ट्रबल कर सकता है, पर अब वो प्रेजेंट टाइम से इरेज हो जाएगा। पर वो नात्सुकी से प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर रेओची और केंजी दोनों ही इरेज हो जाते हैं और जो भी लोग उनके बारे में जानते थे सब भूल जाते हैं। तब केंजी और रियोची फ्यूचर को फिक्स करने के लिए चले जाते हैं। फिर केंजी के ग्रैंडफादर्स अपनी पावर यूज करते हैं केंजी और रियोची को प्रेजेंट टाइम में लेके आने के लिए और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर उनकी डेथ हो जाती है इस वजह से। एंड में नात्सुकी और कोहोरी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि तभी नात्सुकी को कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और वो केंजी का था जो कि वापस आ गया था, और रियोची भी स्पिरिट फॉर्म में वापस आ जाता है जो कि केंजी के पास ही थी। दोस्तों मूवी बहुत ही अमेजिंग थी।